27 जून 2018 को द सिनेमैटिक लाइफ की 27th फ्री एक्टिंग वर्कशॉप थी, और इस बार जो हमने जिस फिल्म को चुना अपनी एक्टिंग वर्कशॉप के लिए वो नेटफ्लिक्स का लाजवाब प्रोडक्शन था लव स्टोरीज। लव स्टोरीज फिल्म में चार अलग अलग कहानियां थी, आधे आधे घंटे की चार कहानियां थी, लगभग 2 घंटे फिल्म की ड्यूरेशन थी, जिसे हमने अपनी वर्कशॉप में 3.5-4 घंटे में कंप्लीट किया। फिल्म को रोक रोक के एस्पायरिंग एक्टर्स को एक्टिंग के कई पहलुओं के बारे में समझाया। फिल्म की डिफरेंट चार स्टोरीज को चार अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था, और सभी बेहतरीन डायरेक्टर थे, जैसे अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, करण जौहर एंड दीपाकर बनर्जी। सिनेमा चाहे किसी भी तरह का हो, इमोशनल सिनेमा हो, फैमिली ड्रामा हो, चाहे कॉमिक फिल्म हो, चाहे थ्रिलर मूवीज हो, चाहे एक्शन मूवीज क्यों ना हो, सेंसुअलिटी की आज अपनी जगह है। आज के सिनेमा में कभी कभी बहुत जरूरी होता है सेंसुअलिटी को दिखाना। वो सीन की डिमांड होती है जहाँ सेंसुअल सीन्स को डाले बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कभी कभी एस्पायरिंग एक्टर उस चीज को लेकर झिझक जाते हैं, एक्ट करते हुए उनको दिक्कत होती है इस तरह के सीन्स को लेकर। और लव स्टोरीज अपने आप में एक बोल्ड सिनेमा था, बोल्ड, सेंसिटिव, एक ब्रिलियंट सिनेमा भी था, जिसमें सेंसुअलिटी के काम को कैमरा वर्क के जरिए बहुत ब्रिलियंट बखूबी कैमरे में कैप्चर किया गया था। वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो था वो आज के सिनेमा के युग का था। और मेरे पास एक टॉपिक था सेंसुअलिटी को लेकर, मैं किस तरह एस्पायरिंग एक्टर को कंफर्ट जोन में ला सकता हूं। तो ये मेरे लिए फिल्म एग्जांपल थी कि मैं सेंसुअलिटी के पहलुओं को एस्पायरिंग एक्टर्स को बखूबी समझा सकूं, ताकि वो फ्यूचर में जाके जब शूट करें इस तरह के सीन्स तो उनमें नर्वसनेस ना हो। ये एक पारदर्शी सिनेमा था जिसे शायद टेलीविजन या सिनेमा ऑडियंस को नहीं दिखाया जा सकता था। ये एक स्पेशल तरह की ऑडियंस के लिए था जो शायद इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई है या उस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है। आज का सिनेमा बदल रहा है। आज एक्टर के पास सिर्फ टीवी और सिनेमा का माध्यम नहीं रहा कि जहां वो अपनी एक्टिंग को पोर्ट्रे कर सके, उसके पास एक डिजिटल माध्यम है यानी कि इंटरनेट की दुनिया, जहां वो अपने पर फैला सकता है, अपनी क्षमता को दिखा सकता है। और आई थिंक आने वाला युग जो है वो इंटरनेट की दुनिया का है। काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस अपनी शॉर्ट फिल्म्स, अपनी फुल लेंथ फिल्म्स, अपने हर तरह के प्रोजेक्ट्स आज इंटरनेट की दुनिया के लिए बनाते हैं। ऑल्ट पालाजी हो, अमेजन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, आज एक्टर्स के लिए नया आसमान खुल रहा है, एक्टिंग के नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट हो या किसी भी एक्टिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आप इस दुनिया को अपनाएं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आपको कोई टेलीविजन का प्रोजेक्ट मिलता है या वेब सीरीज का ऑफर मिलता है तो आप दोनों में से वेब सीरीज को चुनें, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम बहुत आगे बढ़ रहा है, आपके कैलिबर को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। तो इस तरह की चीजों से जुड़े, इस तरह के प्रोजेक्ट करें। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वर्कशॉप का विजुअल बहुत पसंद आया होगा और आप सबका हमें भरपूर साथ मिलेगा। द सिनेमैटिक लाइफ के साथ नए लोग जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ जिंदगी के किसी ना किसी सिनेमैटिक मोड पे मेरी आपसे मुलाकात जरूर होगी। हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।